तो महाराष्ट्र में आखिरकार विभागों का बंटवारा हो चुका है, किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, कई मंत्री इसको लेकर नाराजगी यहां पर जता रहे हैं। और यहां पर अगर बात की तो आदित्य ठाकरे को कौन सा मंत्रालय यहां पर दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, अजीत पवार एनसीपी की तरफ से वित्त मंत्रालय यहां पर दिया गया है। और अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के बंटवारे में एनसीपी की तरफ से अनिल देशमुख को यहाँ पर गृह मंत्रालय यहाँ पर दिया, तो बड़े मंत्रालय एनसीपी के पक्ष में यहाँ पर दिए गए हैं। और जितेंद्र आह्वान को यहाँ पर एनसीपी गृह निर्माण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। दिलीप बलसे पाटिल के लिए यहाँ पर उत्पादन शुल्क और राजेश टोपे को आयोग यहाँ पर मंत्रालय मिला है। तो राजेंद्र संगड़े को यहाँ पर अन्न व औषध मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। तो हर्षन यहाँ पर मुस्लिम को यहाँ पर ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया है। एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल को जल संपदा यहाँ पर मंत्रालय, तो और बड़े नेता यहाँ पर नवाब मलिक एनसीपी तरफ से अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको दिया गया। छगन भुजबल को यहाँ पर अन्न व नगरीय जो मंत्रालय वो यहाँ पर दिया गया। तो ये कई बड़े मंत्रालय एनसीपी को मिले हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाउसिंग मंत्रालय और यहाँ पर एक्साइज मंत्रालय, सहकारी मंत्रालय, बड़े मंत्रालय कहीं ना कहीं एनसीपी के पक्ष में गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एनसीपी का ही दबदबा मंत्रालय को लेकर था। और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, बाला साहेब थोराट के लिए यहाँ पर राजस्व मंत्रालय यहाँ पर मिला है, अशोक चौहान के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यू मंत्रालय यहाँ पर मिला है, और नितिन राउत के लिए ऊर्जा मंत्रालय यहाँ पर मिला है, वर्षा एकनाथ के लिए यहाँ पर साले शिक्षण मंत्रालय, और असलम शेख के लिए उद्योग यहाँ पर मंत्रालय मिला है, और विजय यहाँ पर वैश्विक बार के लिए ओबीसी मंत्रालय, और केशी पांडवी के लिए आदिवासी जो विकास मंत्रालय वो दिया गया है। यहाँ पर यशोमती ठाकुर के लिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। अमित देशमुख कांग्रेस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, और सुनील केदार के लिए यहाँ पर दुग्ध विकास और पशु संवर्धन मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़े मंत्रालय भी कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, लेकिन शिवसेना के पक्ष में कौन से मंत्रालय गए वो भी आप जानकारी बता देते हैं कि पीडब्ल्यू मंत्रालय यहाँ पर कांग्रेस को, राजस्व, ऊर्जा, ओबीसी और स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात कर लेते शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे के लिए नगर विकास मंत्रालय, संदीपान भुमरे के लिए रोजगार अवसर मंत्रालय, यहाँ पर गुलाब राव पाटिल के लिए जल मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है, सुभाष देसाई शिवसेना के उद्योग यहाँ पर मंत्रालय, और अनिल परवर के लिए परिवहन एवं संसदीय कामकाज मंत्रालय, और शंकर राव गड़ाप के लिए जन संरक्षण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। और बड़ा नाम जो था आदित्य ठाकरे के लिए कौन सा मंत्रालय, तो आदित्य ठाकरे के लिए पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। संजय राठौर वन मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। उदय यहाँ पर सावंत के लिए उच्च तंत्र शिक्षण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर शिवसेना के लिए अगर बात कृषि मंत्रालय, सहकारी मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय शिवसेना के पक्ष में भी मिले हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो कि नाराज चल रहे हैं और जिनमें नाम था अख्तार के लिए, लेकिन अब वो यहाँ पर सहमति उनकी दे दी गई है। लेकिन अब भी कई ऐसे मंत्री हैं जो कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से हैं, जिन्हें जो भ्रष्ट है, नियप्ता है, और उसके बावजूद उनको बड़ा मंत्रालय यहाँ पर नहीं मिला है। इसके अलावा कई ऐसे विधायक जो कि मंत्री ना बनाने के कारण कई ऐसे मंत्री हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिवसेना कितने समय तक या 5 साल तक वो यह शासन कर पाएगी या नहीं, या यहाँ पर कुछ जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो नाराज चल रहे हैं, वो इस्तीफा की भी पेशकश यहाँ पर कर रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।